أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سورة بني إسرائيل آية 35 اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں عہد سے مراد عہد امانت ہے وہ بار امانت ہے جو اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول طور پر اور آپ کی وساطت سے ساری امت پر ڈالا ہے اس میں اللہ کے عہد کو پورا کرنا بھی اور بندوں کے حق میں جو خدا کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا بھی اس میں مراد ہے یعنی دونوں باتیں بیک وقت پیش نظر رہنی چاہیے وہ عہد جن کے ذریعے اللہ کی امانتیں پوری کرنی ہوں یعنی جو خدا کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہوں اور وہ عہد یعنی وہ امانتیں جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ پوری کرنی ہوں یہ دونوں قسم کی امانتیں اس عہد کے اندر شامل ہیں اسی مضمون کی جو اس کا یتامہ اور بیوگان وغیرہ سے تعلق ہے مسکینوں وغیرہ سے تعلق ہے ایک اور آیت ہے سورہ نساء آیت 9 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور جب ترکے کی تقسیم پر ایسے اقربا جن کو قواعد کے مطابق حصہ نہیں پہنچتا یہ آزاد ترجمہ ہے اور جب ترکے کی تقسیم پر ایسے اقربا جن کو قواعد کے مطابق حصہ نہیں پہنچتا اور اسی طرح یتیم اور مساکین بھی آ جائیں تو کچھ اس میں سے ان کو بھی دو اور ان سے نرمی اور خلق سے بات کرو یہ دو آیتیں میں نے آج کے لیے چنی ہیں دراصل ان دو آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اس سال درس کے دوران سورہ نساء کی آیات پر کثرت سے پھیلا ہوا ہے میرے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ان تمام آیات کو آج کے خطبے میں اکٹھا کرتا اور سارے مضمون کو یہاں بیان کرتا مگر کسی حکمت کے پیش نظر خصوصیت سے یتامہ اور بیوگان اور بے سہارا عورتوں کے متعلق میں کچھ نصیحت جماعت کو کرنا چاہتا ہوں
इस पहलू से इन दो आयात का मैंने इंतफाक किया है। आजकल दुनिया मजलूमों से भरी पड़ी है, यतामा और बेवगान खसूसियत से बहुत कसरत के साथ दुनिया में पाए जाते हैं। कुछ तो वो हैं जिनको जमात की बिना पर जुल्म का निशाना बनाया गया, कुछ शहदा हुए, कुछ उनके बच्चे यतीम रह गए, कुछ बेवगान औरतें थीं। उन सब पर अल्लाह ताला के फजल से जमात पूरी तरह निगरान है, यानी कफील ही नहीं बल्कि निगरानी करके पूरी तरह मालूम करती है कि कौन कौन कहाँ किस हद तक ज़रूरतमंद है। इसलिए इस वक्त मेरे पेश नज़र वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल से जमात जहाँ तक तौफीक है इनके मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह कमा हक हो अदा कर रही है। मेरे पेश नज़र इस वक्त वो दुनिया के मज़लूम हैं जिनका कोई सहारा नहीं। उनमें से अव्वल तौर पर मुसलमान हैं और फिर निस्बतन दूसरे इंसान जिनका कोई भी मज़हब हो, मगर यतामा और मसाकीन और बेवगान वगैरह की फहरिस्त में आते हैं, क्योंकि गुरबत का कोई मज़हब नहीं हुआ करता, बेचारगी का कोई मज़हब नहीं होता। चुनाचे इन आयात में जिनकी मैंने तिलावत की है किसी मज़हब का ज़िक्र नहीं। तरके की तकसीम की बात देखें और ये नहीं फरमाया कि मुसलमान को ये दो, ये फरमाया है कि जो भी हाजिर हो उसका जो भी मज़हब हो ये पूछना ही नहीं, ये रंग का या मज़हब का या कौमियत का कोई सवाल ही नहीं इस मौके पर उठना चाहिए। जो भी तकसीम के वक्त हाजिर हो उनको कुछ दो और अच्छी बात कहो, देते वक्त भी ऐसा मुतकब्बराना तरीक़े इख्तियार ना करो गोया तुम खैरात दे रहे हो और उनके दिल पर बोझ बनो। दे सकते हो तो अच्छे रंग में दो और अच्छे कलमात के साथ दो, और अगर नहीं दे सकते तो फिर कम से कम अच्छे कलमात तो कहो। मगर ये सानवी माना है, अव्वल माना वही है जो मैंने बयान किया है कि दो तो हुस्न खुल्क के साथ प्यारी बातें करते हुए दो ताकि सारे राजी होकर वापस जाएं। इस ताल्लुक में कुछ अहादीस का मैंने इंतखाब किया है जो मैं आपके सामने रखता हूं। सही बुखारी में किताब उत्तलाक में यह हदीस दर्ज है। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में यूं होंगे, और आपने शहादत वाली और दरमियानी उंगली के जरिए इशारा फरमाया जबकि आपने उनमें थोड़ा सा फासला रखा हुआ था। ये शहादत की उंगली है, ये दरमियानी उंगली है, तो बाज रवायतों में फासले का जिक्र नहीं, मगर मालूम होता है किसी ने एक जाविये से देखा है उसको फासला दिखाई नहीं दिया, और जिसने गौर से फासला देखा है वो बहुत हिकमत की बात है जो उसने बयान की है, क्योंकि क़यामत के दिन यतीम के निगहदाश्त करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ नहीं होगा। हज़रत का मर्तबा और मुकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है। इसलिए ये हदीस मैंने चुनी है क्योंकि मुझे ये फासले वाली बात बहुत प्यारी लगी है। होगा तो करीब लेकिन दरमियान में एक फासला होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दरमियान फासले की हिकमतें हैं, बहुत सी हिकमतें। एक तो मर्तबे का फ़र्क तो है ही, दूसरी है कि कोई भी यतीम की कफालत ऐसे नहीं कर सका जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बस अगर और सारी बातें छोड़ भी दो, सारे मरातब को एक तरफ रख दो, तो कफालत यतीम के ताल्लुक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई करीब भी नहीं फटकता। ये आपका एहसान है कि उसे अपने करीब जाहिर फरमा दिया है, मतलब है मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला है इसलिए मेरे करीब है।
दूसरी हदीस अबू अमामा से ली गई है, ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है। अबू अमामा रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यतीम बच्चे या बच्ची के सर पर महज अल्लाह ताला की खातिर दस्त शफ़क़त फेरा, उसके लिए हर बाल के एवज जिस पर उसका मुशफिक हाथ फेरे नेकियां होंगी। अब यहां दस्त शफ़क़त से ये मफहूम ना ले लें सिर्फ कि हाथ फेर दिए, जिस तरह घर में आमतौर पर बड़ी और बूढ़ी औरतें हमारे मुल्क में सिर्फ यतीमों पर नहीं सब बच्चों के सर पर हाथ फेर देती हैं। यहां मुराद ये है कि उसका सरपरस्त बना। सरपरस्त मुहावरे लफ्ज के अंदर ये बात शामिल है कि सर पर हाथ रखने से मुराद है उसका ख्याल रखा, और हाथ की वसत के नीचे जितने भी बाल आए मुराद ये है कि उसकी जितनी जरूरतें भी पूरे करने की तौफीक मिले तुम्हें, उसके मुताबिक तुम्हें नेकियां मिलेंगी। चुनांचे फरमाया, उसके लिए हर बाल के एवज जिस पर उसका मुशफिक हाथ फिरे नेकियां होंगी। और जिस शख्स ने अपने जेर कफालत बच्चे या बच्ची से एहसान का मामला किया, वो और मैं जन्नत में यूं होंगे, आपने उसी तरह दो उंगलियां उठाई। एक हदीस सुनन इब्ने माजा से ली है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उससे उम्दा सलूक किया जा रहा हो, और मुसलमानों के घरों में से बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उससे बदसलूकी की जाए। ये जो सूरत है यतीम हो, इसकी कई इम्कानात हैं इसके। एक तो यह कि खुद घर वाला कोई फौत हो चुका हो और उसका यतीम बच्चा अपने बड़े भाई बहनों वगैरह की कफालत में या अकरबा की कफालत में हो, और एक सूरत ये भी हो सकती है कि किसी और का यतीम हो। और बाज़ दफ़ा कौमी तौर पर यतामा सुपुर्द किए जाते थे, जैसा कि जंगों में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि बहुत से यतामा वगैरह को मुख्तलिफ घरों में उन लोगों को अमीन जानते हुए, उन पर एतमाद करते हुए उनके सुपुर्द कर दिया जाता था। फरमाया, मुसलमानों के घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उससे उम्दा सलूक किया जा रहा हो। यतामा के ताल्लुक में खा उनका ताल्लुक आम दुनिया में हादसात या आम मामवात से हो, जमात अहमदिया ने अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी इकदामात किए हैं, और ऐसे घर भी बनाए गए हैं जिनमें यतामा की परवरिश का इंतज़ाम है। ऐसे स्कूल जारी किए गए हैं जिनमें यतामा के लिए अच्छी तालीम है, ताकि वो ये ना समझें कि हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर गुजारे के तौर पर स्कूल दिए गए हैं। तो जहाँ तक मेरी कोशिश रही है वो यही थी कि यतामा के अंदर खुद एतमादी पैदा हो, और उसके लिए इनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी बहुत आला दर्जे का हो और इनकी तालीम का इंतज़ाम भी बहुत आला दर्जे का हो। लेकिन एक और रिवाज है जिसकी तरफ मैं इस वक्त जमात को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, जो कादियान में जारी था। कादियान में घरों में यतीम लेकर उसकी अच्छी परवरिश करना, उसको बच्चों की तरह पालना, ये एक ऐसी आला सुन्नत जारी थी कि वो अब मफकूद होती जा रही है। और इसी वजह से मैं दोबारा ये याद दहानी कराना चाहता हूँ, जमाती इंतजामात के तहत खा कैसा ही अच्छा इंतज़ाम क्यों ना हो, और
وہ انتظام لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے, لیکن براہ راست گھر میں یتیم کا پالنا ایک بالکل اور بات ہے. اور اسی لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں یتیم پلتا ہو, اس وقت روزمرہ آزمائش بھی ہوتی ہے. ایک یتیم بچے کی گھر کے مالک کے بچے سے لڑائی بھی ہو جایا کرتی ہے, اور کھانا تقسیم کرتے وقت, کپڑا تقسیم کرتے وقت, ہر وقت ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کون ہے جو خدا کی خاطر ایک جیسا سلوک کرے. اس آزمائش پہ جو روز بروز لوگ گزرتے ہیں ان کا وہی حال ہے کہ بالوں پر ہاتھ ہے. جس طرح بال بکثرت ہوتے ہیں اس طرح ضرورتیں بھی روزمرہ اتنی پیش آتی ہیں کہ بالوں کی طرح گنی نہیں جا سکتی. روزمرہ کے معاملات اتنے کثرت سے ہوتے ہیں, صبح سے لے کے رات تک ہر وقت کا ایک معاملہ ہے حسن و احسان کا, کہ بچے کھیل رہے ہیں, بچے پڑھائی کر رہے ہیں, ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. غزے کے صبح سے رات تک اگر کاموں کی تفصیل میں جایا جائے تو یہ بہت زیادہ وقت چاہیے, مگر ایک پورا دن ہی بعض دفعہ بہت مصروفیات کی نظر ہو جایا کرتا ہے, اور ان میں ہر لمحہ یا ہر قدم پر ایک آزمائش ہوا کرتی ہے. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھیں اور اس سنت کو جماعت میں زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ یتیم رکھیں اور اس کے حقوق ادا کریں اور اعلیٰ تربیت کریں. لیکن جب یتیم بالغ ہو جائے تو پھر ایک دوسرا مرحلہ درپیش ہوگا. آپ اس بنا پر کہ گھر میں یتیم کی طرح پلا ہے محرم کے رشتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو محرم ہے وہ محرم ہی رہے گا, جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا, یہاں تک کہ جس کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنایا ہو وہ بھی جب بالغ ہو جائیں تو یہی مسئلہ سامنے آ جایا کرتا ہے. تو ایسے موقع پر ایک مشکل مرحلہ تو ضرور پیش آتا ہے, مگر اس کا علاج مختلف صورتوں میں کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی بچپن میں رواج تھا کسی یتیم کو گھر لے لینے کا, مگر بلوغت کے بعد ان کو علیحدہ نہیں کیا گیا, پردوں کا انتظام ہو گیا اور رفتہ رفتہ تربیت اس طرح کی گئی کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے, اس لیے یہ کوئی ظلم یا ستم نہیں ہے, ہمیں علیحدہ نہیں پھینکا جا رہا بلکہ مجبوری ہے. تو اسی قسم کے حالات دوسروں کو بھی پیش آتے ہوں گے. ممکن ہے بعض گھروں میں یتیم کی پرورش اس طرح بہن بھائیوں کی طرح کی گئی ہو کہ اس پر اعتماد پوری طرح ہو چکا ہو اور صرف نظر کی جا رہی ہو اس بات پر کہ وہ گھر میں گھومتا پھرتا ہے. اس کے لیے ایک رخصت اس آیت کریمہ سے مل سکتی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اگر ایسے شخص کو کوئی حاجت ہی نہ ہو اور 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہو کہ یہ اتنا زیادہ بہن بھائیوں کی طرح سمجھتا ہے کہ اگر اس کو کہا بھی جائے کہ ان سے شادی کر لو تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ بعض لوگوں کو بچپن سے یہ حاجت پیدا ہی نہیں ہوتی ان کے لیے, وہ بالکل اپنی بہن یا ماں کی طرح ان کو سمجھتے ہیں. چنانچہ ایسے بعض مسائل میرے سامنے بھی آتے رہے ہیں, گھر میں اچھی پرورش کی کسی نے اور بعد میں خیال آیا کہ اتنا اچھا بچہ ہے اپنی بچی سے بھی آ جاؤں, اس نے صاف انکار کر دیا. میرے پاس بعض بھائی یہ مقدمے آئے ہیں فیصلے کے لیے کہ آپ سمجھائیں اس کو. ایسے بچوں کو میں سمجھانے کی کوشش کی, یعنی بڑے ہو چکے تھے, تو انہوں نے بالکل صاف بتایا کہ ہمارے نفس میں حاجت ہی کوئی نہیں ہے. تربیت کے وقت جب بہن بنا دیا, جب ماں کی طرح سمجھایا گیا, تو کیسے ایک دم ہم اپنی عادت کو تبدیل کریں؟ اب اس طرف نظر دوسری طرف اٹھ ہی نہیں سکتی. یہ کیفیت بھی تو ہو سکتی ہے
और इस कैफियत के नतीजे में, जैसा कि मैंने वो रुख्सत वाली आयत की तरफ इशारा किया है, ये वो लोग हैं जिनको हाजत कोई नहीं है। इनसे जो रोजमर्रा के पर्दे की सख्तियां वैसी रवानी रखी जा सकती और ना रखी जाए तो वो गुनाह नहीं है जो आमतौर पर ऐसे हालात में होने का इम्कान है। लेकिन ये याद रखें कि अगर यतीम रखना है तो इसी तरीके पर रखें। अगर ये खतरा हो या रोजमर्रा के मामलात में ये बात खुलकर सामने आ जाए कि आप ये हकूक पूरी तरह अदा नहीं कर सकते, जब लड़ाई होती है बच्चों की तो आप अपने बच्चे का साथ देते हैं, जब चीज तकसीम करते हैं तो एक फर्क रखते हैं, तो यही घर जो बेहतरीन भी हो सकता था उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन भी करार दिया है। तो क्यों अपने घर को बदतरीन बनाते हैं नेकी की खातिर, नेकी के शौक में बेहतरीन बनाने की बजाय बदतरीन तो ना बनाएं उसको। बस ऐसे मौके पर बेहतर यह है कि ऐसे यतामा को जमाती इंतजाम के सुपुर्द कर दिया जाए और उनका खर्च उठा लिया जाए, ये भी एक बड़ी नेकी है। मगर घर में रखते हुए अपनों की तरह सलूक न करना ये जायज नहीं है। फरमाया, और मुसलमानों के घरों में से बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उससे बदसलूकी की जाए। एक रवायत सुनन तिर्मिज़ी से किताबुल बिर से ली गई है, ये हजरत इब्ने अब्बास की रवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमानों में से किसी यतीम को अपने खाने पीने में बाकायदा तौर पर शामिल कर ले अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, सिवाय इसके कि वो कोई नाकाबले मुआफी गुनाह करे। यहां घर में पालने की बात नहीं है, ये एक और हुस्न सलूक है यतीमों से, जिसमें एक शख्स को ये तो तौफीक ना हो कि घर में पाल सके। बाज़ दफा एक आदमी मेहरबान होता है और उसकी बीवी ना मेहरबान होती है, तो ऐसी सूरत में एहतियात जरूरी है कि वो घर में ना पाले, लेकिन अगर वो खाने में अपने साथ शामिल कर सकता है तो उसकी मौजूदगी में बीवी उससे बदखुल्की नहीं कर सकती। ये भी एक रोजमर्रा देखने की बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों के जहां तक मुमकिन थे इम्कानात खोल खोल कर हमारे सामने रख दिए हैं, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। हर नेकी पर जो खुदा ताला की तरफ से अजीम जन्नतों के वादे हैं उससे दिल में तहरीश तो पैदा होती है, मगर बाद लोग मजबूर हैं वो नेकी को मुकम्मल सूरत में अदा नहीं कर सकते। तो मेरे नज़दीक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए ये फरमाया, किसी यतीम को अपने खाने पीने में बाकायदा तौर पर शामिल कर ले। अब खाने पीने में शामिल करने का ये भी मफहूम हो सकता है कि बाहर उसको अपने खाने पीने में शामिल करे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये तरीक था कि अपना खाना बाहर ले जाया करते थे और बाहर यतीमों और मिसकीनों वगैरह को उसमें शामिल फरमा लिया करते थे। तो कई सूरतें मुमकिन हैं, अगर वो ना हो तो पैसा खर्च करके बाहर अपने जैसा खाना उसके लिए मुहैया करवा दे, ये भी एक सूरत है। फरमाया, वो जन्नत में दाखिल होगा सिवाय इसके कि वो कोई नाकाबले मुआफी गुनाह करे। अब इसमें नाकाबले मुआफी गुनाह में अक्सर शिर्क की मुराद होती है, तो अगर वो शिर्क नहीं करेगा, निस्बतन अदना दर्जे के छोटे मोटे गुनाह उससे सरजद हों जो कबायर ना हों, तो ऐसी सूरत में उसको मुतमिन रहना चाहिए कि इस वजह से कि यतीम का निगरान बना है अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देगा, उसको जन्नत में दाखिल कर लेगा। कितनी अजीम शान खुशखबरी हैं जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम और अपनी सुन्नत पर चलने वालों को अता फरमाई हैं।
किताब ज़कात बाबू सदका सुनन अन्नसाई से ये रवायत ली गई है। हजरत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि आ हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन ये माल हरा भरा मीठा है और मुसलमान का अच्छा साथी होता है। यानी दुनिया के अमवाल से कुलियत में बेरगबती कोई नेकी का लाजमा नहीं है, बासुलतुम बेरगबती एक आला दर्जे की नेकी भी होती है, मगर यह मतलब नहीं है कि तुम हर किस्म के माल छोड़ दो और अच्छा खाना पीना ही बंद कर दो। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ हालात होते हैं, तो इस बात को कि तुम्हारे पास खुदा ताला ने तुम्हें माल दिया हो, तौफीक दी हो, इसको इस रंग में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, ये माल हरा भरा मीठा है और मुसलमान का अच्छा साथी है, लेकिन एक शर्त के साथ, हरा भरा और मीठा होगा अगर उसमें से यतीम और मिस्कीन और मुसाफिर को देता है। तो ये शर्त साथ लगा दी, यानी इसको माल की ज़कात कहते हैं। एक तो ज़कात इस्तलाह है, उस इस्तलाही ज़कात को अदा करने के अलावा इंसान अपने माल और अपनी खुशियों की ज़कात निकालता रहे। अगर वो ज़कात निकालता रहेगा तो आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर बेशक अच्छा खाओ पियो, तुमने उसकी ज़कात निकाल दी। और ज़कात निकालना इन मानों में यह है कि यतीम मिस्कीन और मुसाफिर को अदा कर देता है, और जो शख्स उसको नाहक तौर पर लेता है वो उस शख्स की तरह है जो खाता है मगर उसका पेट नहीं भरता, और ये उसके खिलाफ क़यामत के रोज़ गवाह होगा। किसको लेता है, मतलब है दुनिया के माल, जिसकी जायज़ कमाई थी उसके मुतलिक तो फरमाया कि हरा भरा माल है, अच्छा माल है, बशर्ते के उसका हक अदा करो। और अगर वो माल नाजायज़ तरीक़ पर कमाया गया है तो ऐसा ही जैसे आग खा ली जाए, और साथ ये फरमाया उसका पेट नहीं भरेगा। अब ये बात भी हमने मुशाहदे में देखी है कि हिर्स के ज़रिए कमाए हुए माल से दो तरह भूख बाकी रहती है, एक के माल जितना चाहो लेते चले जाओ पेट नहीं भरेगा, यानी माल की तलब बढ़ती चली जाएगी, और ये बात जहन्नम की मिसाल है। जहन्नम से भी जब पूछा जाएगा कि क्या तू भर गई है, तो जहन्नम कहेगी हल में मजी, ए अल्लाह और भी है तो और डाल दे। तो पेट की जहन्नम भी वाकईतन जहन्नम की तरह भरती नहीं। अगर जो भी इंसान माल देखे, खा वो गंदा हो खा वो अच्छा हो, जिस किस्म का भी हो माल हो, उसे लेने की तमन्ना हिर्स इतनी बढ़ जाए कि उसमें अच्छाई बुराई की तमीज़ ही उठ जाए, ये सूरत अगर हो तो फरमाया कि ऐसे माल से उसका पेट कभी नहीं भरेगा। और दूसरा, पेट भरने से मुराद ये है उसको तमानियत नसीब नहीं होगी, वो माल उसके उसकी औलाद के उसके घर के लिए उसकी सुकून के लिए उसके मुस्तकबिल के लिए मुफीद साबित नहीं होगा, वो उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। फिर फरमाया उसके खिलाफ वो माल क़यामत के रोज़ गवाह हो जाएगा। अल्लाह ने रिज़्क़ दिया था, अच्छे कामों की खातिर दिया था, इस शख्स ने राज़िक को न देखा, रिज़्क़ ही को माबूद बना दिया और देने वाले हाथ की परवाह नहीं की। इस पहलू से वो क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाह बनकर खड़ा होगा। फिर सुनन इब्ने माजा से एक हदीस हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया हज़रत ज़ैनब बयान करती हैं। हज़रत ज़ैनब
बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या मेरे अपने खामन पर और मेरे ज़ेरे कफालत यतीमों पर ख़र्च करना मेरी तरफ से सदका शुमार होगा। अब तक जो मैं हदीसें पेश करता रहा हूँ उनमें ज़्यादातर ये दिमाग में बात आती है कि गोया मर्द ही है जो ये सारे नेक काम कर सकता है, लेकिन जिसके घर यतीम पलते हैं उसमें औरत का बहुत बड़ा दखल है। इसलिए मैंने शुरू ही में ये बात बता दी थी कि अव्वलीन और बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम अच्छी तरह पलते हों, और ये नामुमकिन है कि औरत नेक दिल ना हो और उस घर में यतीम अच्छी तरह पलते हों। खावंद की नेकी किसी काम नहीं आ सकती क्योंकि अक्सर वो बाहर रहता है। जब तक बीवी नेक दिल ना हो उस वक्त तक यतीमों के लिए एक जन्नत नुमा घर नहीं बन सकता। तो ये हदीस इसलिए रखी है कि इस तरफ भी ये इशारा कर रही है और मजीद कुछ बातें बयान करती है। सिर्फ खामंद ही औरतों को नहीं पालता, बाद सूरतों में औरतें भी खामंद को पालती हैं, और वो खामंद जो औरतों की कमाई खाने के आदी हों वो समझेंगे कि शायद उनके लिए इस हदीस में जवाज है। मैं ये बात खोल देना चाहता हूं कि उनके लिए इस हदीस में कोई जवाज नहीं है बल्कि अदम जवाज है। खावंद को अपनी बीवी के माल पर कोई हक नहीं है। अगर बीवी खर्च करती है तो ऐसे खर्च करती है गोया सदका है। अब बताएं आपका जवाज कहां चला गया? अगर आप सदके पे पलना पसंद करते हैं तो गैरों से सदका लेने के बजाय बीवी के सदके पे पलें, और बीवी को नेकी उसी तरह मिलेगी जैसे सदके की नेकी मिलती है। चुनांचे बहुत ही दिलचस्प हदीस है इस पहलू से, हजरत ज़ैनब जो हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम की बेगम है, फरमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या मेरा अपने खावन पर और मेरे ज़ेरे कफालत यतीमों पर खर्च करना मेरी तरफ से सदका शुमार होगा। हजरत अब्दुल्ला को भी पता चल गया विचारों का कि किसी मजबूरी की वजह से वो कमा नहीं सकते थे। और एक और खूबी हजरत ज़ैनब की यह है कि इस बिना पर अपने खामन को छोड़ा नहीं, उसको तान तशनी नहीं की, उसको घर में ठीक तरह रखा। वरना बाज़ औरतें खामन ना कमाए तो उसको भी फिर निकट्ठू होने के दावत ताने देने शुरू कर देती हैं, जो और तरह बदसलूकी करती हैं। नेक सलूक इसमें दाखिल है, इसलिए कि अगर नेक सलूक शामिल ना होता तो फिर जजा कोई ना होती। इसलिए बात की गहराई में उतरकर उससे इस्तेमाल होता है। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सब सहाबा और इनके घरों और इनके हालात पर नजर हुआ करती थी। अगर उस औरत ने यह सवाल किया कि ये सदका है तो आपने कहना, आप अगर देखते कि वो खावन से हुस्न सलूक नहीं करती बल्कि इस तरह देती है जैसे किसी चीज़ के सामने चीज़ फेंकी जाए, तो आप फरमाते नहीं, ये सदका नहीं है, इस सदके की जजा नहीं है, क्योंकि तुमने वो हकूक अदा नहीं किए। जैसा कि उस आयत में है, वकूलु लहुम कौलम मारूफा, उनसे हुस्ने सलूक की बात करो, अच्छी बातें कहो, अच्छे तरीक़ पर अदा करो। तो ये तमाम बातें इस हदीस के अल्फाज में मुजमिल हैं। बहरहाल हदीस के अल्फाज ये हैं कि कफालत यतीमों पर खर्च करना मेरी तरफ से सदका शुमार होगा। इससे मजीद पता चला कि एक यतीम नहीं बहुत से यतीमों की ये निगहदाश्त किया करती थी। ऐसे भी होंगे जो उनके घर में पलते होंगे, ऐसे भी होंगे जो घर में नहीं पलते मगर बाहर के यतीम हैं।
मगर यतामा का जिक्र है, एक या दो यतीम की बातें नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी खातून को दोहरा अजर मिलेगा, एक सदके का और दूसरा रिश्तेदारी निभाने का। अब देखें खावंद की भी इज्जत रख ली, सदका तो यतामा के लिए है और उस खावंद का ख्याल जो रखा जा रहा है उसकी इज्जत नफ्स कायम रखते हुए फरमाया ये सदके के तौर पर नहीं इसको जजा मिलेगी बल्कि रिश्तेदारी निभाई है, और जो रिश्तों को कायम करता है उसकी अपनी अलग जजा है। तो इस पहलू से बहुत ही प्यारी और मुकम्मल हदीस है, हर इम्कानी पहलू पर नजर रखती है और उसको खोल खोल कर हमारे सामने बयान करती है। अब ये एक हदीस है बहुत ही दिल लुभाने वाली और दिल में सोज़ो गुदास पैदा करने वाली हदीस। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने एक दफा ये शेर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला उनके सामने पढ़े, वह अबियदा युस्तस्कल गमामो में बजे रबी उल यतामा इस्मत आराम ली, जिसका तर्जमा यह है कि वो सफेद नूरानी चेहरे वाला शख्स जिसके मुंह का वास्ता देकर बादल से बारिश तलब की जाती है, उस सफेद नूरानी शख्स जिसके मुंह का वास्ता देकर बादल से बारिश तलब की जाती है, यतीमों के लिए मौसम बहार और बेवाओं की इज्जत का मुहाफिज है। इस पर हज़रत अबू बकर رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے با خدا وہ تو محمد رسول اللہ ہے، با خدا وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ یہ مرتبہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے وہ انگلیوں کے فرق والی بات پیش نظر رکھیں۔ جود و کرم کا یہ حال تھا کہ اگر بادل کو محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہا جائے उसकी तरह जूद कर्म कर दे और दिल में सच्ची मोहब्बत हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हरगिज बईद नहीं कि वो बादल जूद कर्म की बारिश बरसा दे। और यतामा के वाली थे, यतामा के कफील और बेवाओं की वाली थे और उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाले, ये एक बहुत ही अहम पहलू है इस हदीस का जो आपने खोलकर बयान किया है। कि बेवगान के साथ उसने सलूक ही नहीं बल्कि उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाले थे। कई लोग मुझे लिखते हैं कि क्या हमें इजाजत है कि हम फलां बेवा की खिदमत करें। मैं उनको कहता हूं कि आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि उस बेवा की अगर खिदमत करनी है तो जमात की मार्फत करें। इस खिदमत के बहाने आपको एक जवान औरत जो बेवा हो गई हो उसके घर में आना जाना मुनासिब नहीं, जायज नहीं है, क्योंकि उसके नतीजे में कई किस्म की कबाहतें पैदा हो सकती हैं। बस इस पर उससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो आयशा का बयान है वो सिर्फ ये नहीं कि बेवगाओं की खिदमत करते थे, बेवगान की इज्जत के मुहाफिज थे, दूसरों से भी बेवगान की इज्जत की हिफाजत करवाया करते थे।
आहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रवायत सुनन इब्ने माजा में दर्ज है, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैन अल-यतीम वल-मरात, कि ऐ अल्लाह तू गवार है कि मैं दो नातवानों यानी यतीम और औरत के हकूक दबाने को हराम करार दे रहा हूं। अब यहां औरत में एक आम लफ्ज है औरत का, जो हर औरत पर इतलाक पाता है, क्योंकि औरत में भी एक ज़ौफ पाया जाता है, मगर बाज शरह लिखने वालों ने यहां बेवा का लफ्ज बीच में जायद कर दिया है, यानी तर्जमे में वो कहते हैं बेवा औरतें मुराद हैं, मगर मेरे नज़दीक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुला रखा था, और ये जो तशरीह करने वाले हैं इनका कोई हक नहीं कि उसको तंग कर दें। औरत के अंदर एक नाजुक सिन्फ होने की हैसियत होती है, यानी उसको कहते ही सिन्फ नाजुक हैं, और इस पहलू से उसमें कई किस्म के इहतमालात होते हैं कि उसकी इस कमजोरी से जो उसके दरअसल उसका हुस्न है कोई नजायज फायदा ना उठाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो खुदा को गवाह रखकर फरमाया, मतलब है जो काम मेरे सपूत किए गए थे उस सारे मैंने अदा कर दिए, भाई साल भी तेरे पास नहीं लौटूंगा कि मैं कह सकूं कोई कह सके कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की, और किसी के कहने से मुझे क्या गरज, ऐ अल्लाह तू गवाह है, तू जानता है कि दुनिया से वापस जाने से पहले मैं तेरे तमाम अहकामात की तमाम जिम्मेदारियों को अदा कर रहा हूं। वो जो अहद वाली हदीस थी उसका यही माना है कि एक अहद जो खुदा ने बंदों से बांधा वो सबसे बढ़कर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बांधा, और उस अहद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किसी ने कभी पूरा नहीं किया। आपके पूरा करने के पासंग को भी नहीं पहुंचता, मगर एक करीब आने की कोशिश तो है ना, वो तो सब कर सकते हैं, और जो भी ये कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उन्हें उसकी बेहतरीन जजा अता फरमाएगा। एक और हदीस में आखिर पर आपके सामने रखता हूँ, नहीं अभी एक और भी है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल दो सफा जो भी है, मुस्नद बिन अहमद बिन हम्बल इसके रवायत है कि हजरत अमर बिन शुएब अपने दादा के हवाले से रवायत करते हैं, ये सहाबी नहीं थे, दादा सहाबी थे, हजरत अमर बिन शुएब अपने दादा से बयान करते हैं, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मेरे पास माल नहीं है मगर एक यतीम का कफील हूं। इस पर हुजूर ने फरमाया कि अपने जेरे कफालत यतीम के माल से खा लो मगर इसराफ और फजूल खर्ची किए बगैर, क्योंकि कुरान करीम में ये भी हुक्म है अगर तुम यतीम पर खर्च नहीं कर सकते तो उसकी उसके माल की हिफाजत भी एक खर्च है, उसके माल की ऐसी हिफाजत कि वो बढ़ता रहे और बेहतरीन नशो नुमा हो उसकी, जब तक वो अपने माल को खुद ना संभाल सके उस वक्त तक चाहे कौमी निगरानी में रहे, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया है कि ऐसा ट्रस्ट बनने की दरख्वास्त दी जा सकती है कि तुम हुकूमत से दरख्वास्त करो कि तुम्हें बतौर ट्रस्ट मंजूर कर ले, हालांकि इंफरादी तौर पर भी इंसान ये काम कर सकता है,
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹرسٹ کے لفظ اس لیے لکھے ہیں کہ ٹرسٹ کی نگرانی حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. ایک شخص اپنے طور پر یتیم کے مال کا نگران بن جائے تو کسی کو کیا پتا کہ وہ کیا کرتا پھرتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت باریکی سے ان معاملات کو دیکھا ہے اور جماعت کو ایسے مشورے دیے ہیں کہ ان پر عمل کر کے خرابی کا احتمال کم سے کم ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ شوق ہے تو حکومت سے درخواست دے کر اپنے آپ کو ٹرسٹی بنا لو اور پھر یتیم کے اموال کی نگرانی کرو اور بحیثیت ٹرسٹی تم جواب دہ ہوگے حکومت کے سامنے, اور وہ پھر آڈٹ بھی کرتے ہیں اور کئی قسم کے نگرانی کے انتظام جاری رکھتے ہیں. تو یہی بات ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے حوالے سے جن کا تفصیلی ذکر اس رمضان میں درس میں گزر چکا ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. فرمایا, اپنے زیر کفالت یتیم کے مال سے تم کھا لو. اب مال تمہارے پاس کوئی نہیں ہے, یتیم کی کفالت کرنی ہے, خود بھی تو کچھ کھاؤ گے. جب اس کے مال کی نگرانی کرو گے تو یہ بھی تو ایک ملازمت ہی ہے. بس اس پہلو سے فرماتے ہیں, مگر بغیر اسراف اور فضول خرچی کیے اور بغیر اس کے کہ اس ذریعے سے اپنے لیے مال بناؤ. جب تمہارے پاس مال ہے کوئی نہیں اور یتیم کے مال پر ہی تم اس کے ملازم سے بن گئے ہو, اس میں سے اپنے لیے مال نہ پھر بناؤ, پھر اسی مال کی نگرانی کرو اور اس کے نگرانی کے بدلے کے طور پر تمہیں جو روزمرہ کھانے کے لیے پیسے چاہیے وہ وصول کر لیا کرو, بغیر اس کے کہ اس کے ذریعے اپنے ذاتی مال کو بچاؤ. ایک اور بات بھی فرمائی, یہ پہلی بات کی تکرار نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس نے تو کہا تھا میرے پاس مال نہیں, مگر ہو سکتا ہے ایسی صورت میں کہ کسی کے پاس مال ہو بھی کچھ اور وہ یتیم کے مال کی کفالت کر رہا ہو. تو ایسی صورت میں اگر خود خرچ کر سکتے ہو اپنے اوپر تو خود ہی کرو. پھر میں اپنے مال کو بچانے کی خاطر یتیم کا مال نہ کھاؤ. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح جامع معنی ہوتی تھی, یہ ہیں ہمیشہ رہیں گی, کہ وہ ایک مسئلے کے ہر پہلو پر حاوی ہو جایا کرتی تھی. یا یہ فرمایا, ایک راوی کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اس کا مال فدا کرتے جاؤ, یہ بھی نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی تجارتیں ہوتی ہیں جن میں احتمالات ہوتے ہیں کہ شاید پیسہ ضائع ہو جائے, تجربے کی بات ہے. تو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم پہلے یتیم کا مال لگا دو اور اگر وہ ضائع ہو گیا تو اپنا مال روک لو. اگر خرچ کرنا ہے تو پھر دونوں مال اکٹھے کرو. اس میں بہت باریک نصیحت ہے جس کو حضرت مصطفیٰ موعود نے بہت گہرائی سے سمجھا, اور آپ کے بہت سے افعال ہیں جن کی ویسے سمجھ نہیں آتی, ان احادیث پر غور کرنے سے سمجھ آتی ہے کہ حضرت مصطفیٰ موعود بہت گہرائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا کرتے تھے یا پڑھتے تھے اور اپنی زندگی کو اس کے لیے وہی لائے عمل بنا لیا کرتے تھے. آپ نے جب بھی تحریک جدید یا انجمن کے لیے کوئی کاروبار کیے, زمینیں خریدیں یا دوسرے کاروبار کیے, اس میں اپنا پیسہ ضرور لگایا. کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں تھا جس میں ایک بڑا تین یا کچھ حضرت مصطفیٰ موعود نے اپنا پیسہ نہ لگایا ہو. سندھ میں زمینیں خریدیں صدر انجمن کے لیے تو اپنے لیے بھی, تحریک جدید کے لیے خریدی تو اپنے لیے بھی. جس جس جگہ میں جس جس
उसको जिले में कहना चाहिए, आपने काम किया वहां अपने लिए भी, उसी जिले में भी अपने लिए अलग जमीनें खरीदी। मकसद ये था कि मैं जो कारोबार जमात के लिए तजवीज कर रहा हूं पूरी दयानतदारी से समझते हुए कर रहा हूं कि यह फायदेमंद होगा, और अगर इसमें यह खतरा हो है कि वो डूब जाएगा तो मेरा माल इस बात का जामिन है कि अगर डूबेगा तो फिर मेरा माल भी डूबेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि इसने फर्क किया है। अब ये नसीहत जो है, अब गौर करके देख लें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उसूली नसीहत के ताबे है, यतीम के माल को अलग तौर पर इस तरह नहीं लगाना कि वो तुम्हारे लिए तजर्बे का काम दे, अगर तरक्की करे तो फिर अपना माल डाल दो और अगर डूब जाए तो फिर अपने माल को बचा लो। तो अपने माल को बचाने का जरिया बनाते हुए यतीम के माल की तिजारत नहीं करनी। एक और हदीस है, और ये इस हदीस के सिलसिले में जो मैं इस खुतबे के लिए जो मैंने चुनी है उनमें से ये आखिरी हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवगान और मसाकीन की खिदमत में लगा रहने वाला शख्स मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह है, या उसकी तरह जो कायमुल लैल और सायमुल नहार हो, यानी जो शख्स इस खिदमत पर लगा रहता है वो यह ना समझे कि मुझे इससे दूसरी नेकियों में कोई नुकसान पहुंच गया है, मैं जहाज में पीछे रह गया हूं या रोजे रखने में पीछे रह गया हूं या तहज्जुद में कमजोरी आ गई है। फरमाया अगर तुम यतामा और बेवगान की खिदमत पर अपने आप को मामूर कर लो और फराइज नमाज अदा करो और नवाफिल में वो गैर मामूली तवज्जो न नवाफिल पर वो गैर मामूली तवज्जो न दे सको जो इन मामलात में बाद बहुत आगे बढ़ने वाले दिया करते हैं, तो उससे तुम्हें कमी का एहसास ना हो, अल्लाह तुम्हारी इस नेकी को इतने प्यार से देखेगा कि बाकी मैदानों में तुम्हारे नाम बढ़ने को नजरअंदाज फरमा देगा और यही नेकी उन दूसरी नेकियों की कायम मुकाम बन जाएगी। कुछ हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक्तबासात भी थे जो मैंने रखे हुए थे, मगर क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है और एक आखिरी बात जो मैं जरूरी करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास इस वक्त बहुत से खिदमत के ऐसे मैदान खाली पड़े हैं जहाँ यतामा और बेवगान की खिदमत को पहले से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अफ्रीका में मसलन सिरा लियोन में जो बकसरत मजालिम हुए हैं उनके नतीजे में बादों की टांगें काटी गईं, बादों के हाथ काटे गए, बुरे हाल में ऐसे सूरत में बच्चे और औरतें रह गए कि उनका कोई वाली वारिस नहीं। इंग्लिस्तान को ये तौफीक मिली कि इनके डॉक्टरों ने खुदा ताला के फजल से वहाँ जाकर तो उनके अज़ा को मस्नूई अज़ा के ज़रिए इस काबिल बना दिया कि वो चल फिर सकें या रोज़मर्रा के काम कर सकें, और इसी तरह जमात इंग्लिस्तान को ये तौफीक मिली कि अपने सदक़ात और ज़कात वगैरह में से बड़ी भारी रकम इन लोगों के लिए वक्फ कर दी। मगर मैं सब जमातों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, अफ्रीका की दूसरी जमातों को भी, कि यतीम और बेवगान का जहाँ तक मसला है ये एक आम शिकायत हो गई है दुनिया में। कौमें जालिम हैं जिनको कोई भी परवाह नहीं इस बात की कि किस कसरत से लोग जुल्मों का शिकार होते हैं और कोई कमी नहीं है इस मैदान में। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुसलमान हैं, सरदस्त अगर मुसलमानों की जिम्मेदारी अदा करने की ही जमात कोशिश करे तो ये भी अगरचे हमारी तौफीक से बहुत ज़्यादा काम है,
लेकिन अगर महज डेल्ला ये काम करें तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला हमारी तौफीक बढ़ाता चला जाएगा। जहां तक सारी दुनिया के यतामा और मिस्कीनों और बेवगान का ताल्लुक है, ये दुनिया में ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं, ऐसे बड़े बड़े इदारे हैं जिनके पास चैरिटी के लिए बेशुमार दौलत है, इतनी ज़्यादा कि अरबों डॉलर वो इन चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं और करते हैं। अगर और मकसद के लिए नहीं तो इन लोगों को अपने साथ मिलाने की खातिर, यानी वो यतीम और बेवगान जिनके साथ नेकी करने से इनको कोई सियासी फायदा पहुंच सके उस पर वो खर्च करते हैं। तो वहाँ हमें दखल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है, और अगर मैदान बहुत वसी हो तो इंसान अच्छी जगह, ऐसी जगह चुनता है जहाँ थोड़े मसरफ से ज़्यादा फायदा हो सके। मैंने इसकी कई दफ़ा मिसाल दी है, सिंध को जो आबाद किया गया, जैसे हज़रत मुस्लिम महमूद ने सिंध में ज़मीनें खरीदी, कसरत से बंजर ज़मीनें थी और झाऊ उगते थे, कांटेदार झाड़ियाँ होती थीं, लेकिन जाते ही सबसे गंदे बंजर को इख्तियार नहीं किया, उसमें से जो अच्छी ज़मीनें थीं जिनको थोड़ी सी मेहनत से दुरुस्त किया जा सकता था, पहले उनका इंतखाब किया और रफ्ता रफ्ता फिर इस दायरे को फैलाया। तो जमात को थोड़ी जगह चुनकर जिस पर वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, इस खिदमत को शुरू करना चाहिए, और हर खुसूसन अफ्रीकन ममालिक में, हर ऐसे दायरे में, ऐसे इलाके में जहाँ यतामा और बेवगान की ज़रूरतें ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती हैं, वहाँ वो ख़ास हिस्सा चुन लें जिसमें अव्वलियत वो पहले मुसलमानों को दें, क्योंकि सबका तो कर सकते ही नहीं, तो कम से कम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम की तरफ मंसूब होने वाले तो हैं ना। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो इस हुज़ूर की तरफ मंसूब होने को ऐसी अहमियत दी कि वो लोग जो आपको गालियां देते थे और वक्त थे इस बात पर कि आपकी मुखालफत करें, उनके लिए भी बद्दुआ दिल से नहीं निकली, और जब जोश आता था तबीयत में, बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, तो आपने फरमाया, ए दिल तू नीज खातर ईना निगाहदार काखर कुनन दावे हुबे पयंबरम, ए दिल इस तरफ भी तो निगाह कर कि आखिर मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ मंसूब तो हो रहे हैं। यही बात इनके लिए एक सिफारिश के लिए काफी है, बस जो आमदुन्नास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होते हैं, उनकी ज़रूरतों, उनकी खिदमतों में जहाँ तक बस चले हमें पेशकदमी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रहा उनका सवाल जो बदखुल्क और जुल्म सितम में बहुत बढ़ रहे हैं, उनके लिए इल्हामी तौर पर इजाज़त है कि इस हद तक बददुआ की जाए कि उनका जुल्म खुद मुसलमानों को नेकी से महरूम करने का मजीद मूजिब न बने, और इस तरह उनका कज़िया पाक होने का मतलब है चंद को खुदा ताला उठा ले तो बाकी लोग जो हैं उनके लिए फिर यही दुआ होगी, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ मेरे अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे क्योंकि ला इल्म है, इनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.